बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पिटक को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम भारत ने शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई कुषाणों ने। चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? सारनाथ में। चार बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। अध्यक्ष सर्वकामी थे, शासक कालासुर। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष मांगलिपुत्र तीस थे, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध थे अनात्मावादी एवं अनिश्वरवादी। यूनानी दूत मेगास्तनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? छपरा जेल की। बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1856 से 57 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। बिहार में 1857 का मुख्य केंद्र था आरा के जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। विजय दिवस कब मनाया जाता है और किसके याद में? 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह के याद में विजय दिवस मनाया जाता है। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायत अली और इनायत अली ने। 1867 ईस्वी में चंपारण का नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जोकीतिया गांव से। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना की।